अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैं हमेशा से बोलती हूँ दो कारण से मैं कर पाई। एक कारण थे कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा प्रदेश में बैठी थी, माननीय शिवराज सिंह जी का हाथ मेरे सिर पे था। और दूसरा कारण है मैं दो हाथ से नहीं चार हाथ से काम करती हूँ, दो मेरे और दो महाराज साहब के। आप सब लोगों ने हमेशा से आशीर्वाद दिया है इस राज पर। मन में ये विचार करना है कि हमको सूरज की पहली किरण के साथ देवास में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमंत राजमाता जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुनः उम्मीदवार बनाया है। हमने निरंतर देवास के क्षेत्र में कई विकास की नई आयाम स्थापित किए, कई प्रकार के विकास के कई रिकॉर्ड तोड़ने का काम आदरणीय राजमाता जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा कार्यकर्ता बंधुओं से आपकी राजमाता साहब हैं, आपकी सेवक हैं, आपकी घर की या तो मां है और या तो बेटी है और या तो बहन है। पर मेरे लिए मेरी अक्का है। इस जोड़ी ने बचपन में साथ खेला है, इस जोड़ी ने बचपन में साथ झगड़ा किया है, इस जोड़ी ने पूरा बचपन एक साथ गुजारा है। तो आज मैं आया हूं, तो एक तरफ मेरी देवास की जनता के लिए आया हूं और दूसरी तरफ मेरे बहन के लिए आया हूं। मेरे साथ बोलो मेरी जनता, तुलजा भवानी की। तुलजा भवानी का नाम ले रहे भैया, देवास की आवाज गूंजनी चाहिए। तुलजा भवानी की, तुलजा भवानी की, माँ चामुंडा की, माँ चामुंडा की, माँ चामुंडा की। भारत सिंह जी बटलावा, उनसे अगर वो भी स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजपूत, वो भी स्वागत करें। श्री मनीष सोलंकी जी, श्री कुल सिंह जी चावड़ा, श्री मनीष सेन जी, जुगनू गोस्वामी जी, हमारे प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिकरवाल जी, हमारे नहीं उन्होंने केवल बोला ही नहीं, मैं हूँ उनकी बहन, इसीलिए वो एक भाई के नाते भी आए थे यहाँ पे, और हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री के नाते भी आए थे चुनाव प्रचार में।
हमारी पार्टी कार्यकर्ता जनमानस को देवास की जनता को मिलने के लिए आए थे। उन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से आम सभा भी की और सभी को बहुत प्रेरित करके गए हैं। सभा में जो है उत्साह भी नजर आया और लोग काफी देर तक यहाँ पर जब वो आए और उनका उद्बोधन सुनने के बाद लोग भी जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आई। क्या कहना आपका चुनाव जी? उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित है तो लोगों को बहुत अच्छे से बांधते हैं वो, और उन्होंने बहुत अपनी शैली में, उनकी एक बहुत व्यक्तिगत शैली है, उस शैली में लोगों से बातचीत की और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ सुना भी उसे। कई महत्वपूर्ण उन्होंने मुद्दे भी उठाए और कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा जो कि वर्तमान में जो विपक्ष में और है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार रहेगी तो योजना जारी रहेगी, कांग्रेस आएगी तो खत्म हो जाएगी, पहले भी बंद करी कांग्रेस। उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा, उनका बहुत लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उसके बूते पे उन्होंने सारी बातें की। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता थी, उस मां भारती के सपूत की कुल देवता थी, जिस सपूत ने हिंदवी स्वराज का झंडा भारत के लाल किले पर फहराने का संकल्प लिया था। बोलो बड़े भाई, अब उठाओ हाथ, किन किन को 12,000 रुपया मिलता है? उठाए रखना, उठाए रखना, अब कान खोल के आप सुन लेना। अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई, आपका 12,000 रुपया बंद। जिस कांग्रेस सरकार ने संबल योजना बंद कर दी, प्रदेश सरकार की 51 योजनाएं बंद कर दी, तो बोलो मेरे साथ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए क्या? नहीं। आनी चाहिए क्या पीछे वहां? आनी चाहिए क्या वहां पीछे? तो 17 तारीख को कांग्रेस को बोरी बिस्तर बांधकर ताला लगाकर, ताला लगाकर चाबी शिप्रा में फेंकोगे कि नहीं? फेंकोगे कि नहीं? मेरी बहनों, फेंकोगे कि नहीं? हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। की 1,000 रुपए से शुरुआत की, कमलनाथ जी को खुजली आ गई। अरे शिवराज सिंह जी का 1,000 मैं 1,500 दूंगा, कब? जब सरकार में आऊंगा। किसानों का ऋण माफ करूंगा, कब? जब सरकार में आऊंगा। नौजवानों को बेरोजगार भत्ता दूंगा, कब? जब सरकार में आऊंगा। अगर कांग्रेस पार्टी नहला है तो कमल का फूल उस पर दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया, बहना 1,000 रुपया 1,250 करेंगे, 1,250 से 1,500 करेंगे, 1,500 से 1,750 करेंगे, 1,750 से 2,000 करेंगे, 2,000 से 250 करेंगे, 250 से 3,000। बोलो अम्मा, 2,500 से 2,750 और 2,750 से 3,000। अब मेरी लाडली बहन यहाँ कितनी जरा उड़ जाए, जरा उड़ जाए मेरी लाडली बहन, इस महीने में 1,250 खाते में आ गए कल के तारीख पे। अरे आप कब से लाडली बहना बन गए?
देखो मुझे लगता है इनको भी आपका पैसा चाहिए। आ गए खाते में, आ गए, हर महीना आ रहा है। शिवराज भैया ने कहा है 450 पे सिलेंडर देंगे, वो भी मिल रहा है। 1250 आ रहा है, 1250 आ रहा है, वहां भी लाडली बहना है, आ रहा है। एक संकलिप्तता की मंडली है, ये वो दल है भारतीय जनता पार्टी, जो देश की जनता के सपनों को लेती है, उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करती है। और वो संकल्प जब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तो वो सफर पर तैनात हो जाती है, जहां सपने को संकल्प में परिवर्तित करके सिद्धि तक जी जान भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और आज उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक क्या अनेक उदाहरण आपको देता हूं। 140 करोड़ हमारे देशवासियों का एक सपना था, एक सपना था कि राम लाला का विराजने का क्षेत्र और मंदिर दोबारा देश में स्थापित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। हाँ, दो राजनीतिक दल हैं, हाँ दो विचारधाराएं हैं, पर ये चुनाव इन दोनों पार्टियों का नहीं है। ये चुनाव आपके बैठे हुए माता पिता का भविष्य तय करेगा। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के भाई और बहन का भविष्य तय करेगा। यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति के आने वाले पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। हमें तय करना है, हम उस 18 साल के विकास और प्रगति जो संदर्भ राजमाता साहब ने दिया, क्या उस सफर पर हम चलना चाहते हैं निरंतर। इस मां भारती को इंतजार था अपने सपूत के लिए। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का पूर्ण संकल्प लिया मेरे भाई और बहनों। और आगामी 22 तारीख को वो सपना, वो संकल्प सिद्धि में परिवर्तित होने। हमारे जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल साहेब, देवास के महाराज विक्रम सिंह पवार साहेब, श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी हमारी महापौर, सुभाष शर्मा जी हमारे पूर्व महापौर, नरेंद्र राजपूत जी, रवि जैन साहेब, मनीष सैन साहेब, नारायण चौधरी जी, मनीष सोलंकी जी, दुर्गेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई देवास की उपस्थित केवल जनता जनार्दन नहीं लेकिन मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, जय जय 140 करोड़ जनता का सपना, उस सपने को 1990 के दशक में
इस भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण अडवाणी, मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने उस सपने को संकल्प में परिवर्तित किया। हमारा जानना चाहते हैं उस काले अंधेरे कालखंड में 2003 का, जब हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में ना बिजली, ना पानी और ना सड़क, याद है? याद है। अभी मुझे आवाज नहीं आया, याद है? आप पूछोगे आपकी 2003 की याद क्यों दिला? भयानक सपना, हमें सड़क नहीं मिलते थे, हमें गड्ढे कहां खत्म होते हैं और सड़क कहां शुरू होता है खोजना पड़ता था। गांव में लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं आता था, टोटी खोलो तो पानी नहीं आती थी। मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि आज 2023 में हमारे अनेक मतदाता हैं जिनका जन्म भी उस कालखंड में नहीं हुआ था, अनुभवी नहीं है। और जिस कांग्रेस, ये झूठ फूट और लूट की सरकार है, ये कहते हैं हमारे पास मोहब्बत का दुकान है, ये कहते हैं कि हमारे पास मोहब्बत का दुकान है, पर मेरे भाई और बहनों, इनके मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। तो आज मैं अलग से अपील करने आया हूं, 17 तारीख को एक एक मत कमल के फूल के निशान पर डलना चाहिए। डालोगे? डालेंगे। डालोगे? डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? करेंगे। देवास की विकास और प्रगति सुनिश्चित करोगे? करेंगे। मेरी बहन और राजमाता साहब को चुनाव में जिताओगे? करेंगे। एक एक मत डालोगे? हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जी क्या बोले अर्चना जी को? बाकी सब मेरी लाड़ी बहना बैठ जाए, हमारा अर्चना जी आप खड़ी है, आप आगे आ जाओ। अर्चना जी जब कमलनाथ जी के पास गई तो क्या बोले कमलनाथ जी? अर्चना जी, कमलनाथ जी बोली, तिजोरी खाली है। अब अर्चना जी बहुत निराश होगी, राजमाता साहब के पास आई, बोली राजमाता साहब ये कांग्रेस मुख्यमंत्री ये कह रहा है। निराश होकर अर्चना जी घर पे बैठे, सरकार बदली, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अर्चना जी शिवराज भैया के पास गई और अर्चना जी ने शिवराज भैया को कहा, भैया हम बहना के लिए कुछ कर लो। जहां कमलनाथ जी ने अर्चना जी को कहा था, तिजोरी खाली है बहना, बहना तिजोरी खाली है, वहां शिवराज जी ने कहा, बहना तिजोरी तुम्हारी है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो जोड़ी है ना, जोड़ी ये जोड़ी कुर्सी की, ये कुर्सी दिख जाए ना में चमक, और ये जोड़ी कुर्सी के पास जाती है
कहती अच्छा 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 कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का, भारतीय जनता पार्टी में किस्सा गरीब शोषित वंचित महिला नौजवानों के आंखों में चमक लाने का और विकास और प्रगति का। ये मेरा देवास, भारत के स्वर्णम इतिहास का एक प्रमुखता का स्तंभ है और ये मेरे देवास में मां तुलजा भवानी का मंदिर जो ये। अगर कांग्रेस की सरकार आई ₹15,000 बंद कांग्रेस के पॉकेट के अंदर, कांग्रेस की सरकार आने दोगी आने दोगी आने दोगी आने दोगी? मेरी लाडली बहना का क्या नाम है? अंजना जी, अर्चना गुप्ता, अर्चना जी, नाम अर्चना जी। अब अर्चना जी गई थी कमलनाथ जी के पास। अब अर्चना जी जब कमलनाथ जी के पास गई तो अर्चना जी ने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी हम भारती की रक्षा करने का फौलाद था, वही दूसरी तरफ देवास के साथ मेरे दो रिश्ते। एक रिश्ता आपके समक्ष तो मैंने जाहिर कर दिया, मैं भाजपा प्रत्याशी के लिए आज आया हूं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा मेरे बहन के लिए आया। एक और रिश्ता है